नमस्कार, मैं बॉबी जहां एमएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव सांसद को करेंगे संबोधित। नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम पद की शपथ लेने के बाद 7 और 8 जून को मालदीव के दौरे पर होंगे। उनके दौरे से पहले मालदीव से एक बड़ी खबर सामने आई है। मालदीव की सांसद ने उन्हें सर्वसम्मानित से वहां की सांसद को संबोधित करने का न्योता भेजा है। मालदीव के इस कदम को कूटनीतिक तौर पर अहम बताया जा रहा है। वहां पर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इसमें अब शक नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावित आगामी मालदीव दौरे पर वहां के सांसद को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी वहां के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि मालदीव सांसद ने सर्वसम्मानित से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी दौरे पर यहां की पार्लियामेंट को संबोधित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अरुण जेटली से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अरुण जेटली के घर जाएंगे। कहा जा रहा है कि वो उनके फैसले पर पूर्ण विचार को कहेंगे। माना जाता है कि पीएम मोदी वित्त मंत्री रहे जेटली के कार्यकाल से खासे संतुष्ट थे और चाहते हैं कि जेटली इस बार भी सरकार में अहम जिम्मेदारी निभाए। वहीं मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। उन्होंने खत में लिखा था कि स्वास्थ्य वजहों से वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लोकसभा नतीजे के बाद सूरत में छाई मोदी आइसक्रीम। गुजरात के सूरत में एक आइसक्रीम पार्लर के मालिक विवेक अजमेरा हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की शानदार जीत से खासे खुश है और भाजपा की इस जीत का जश्न मना रहे हैं। विवेक अजमेरा ने बीजेपी की जीत से खुश होकर मोदी सीताफल गुल्फे की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बनाया है। पार्लर में काम करने वाले लोगों ने इसे 24 घंटे में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले कुल 200 आइसक्रीम बनाई है। इसके इस समय खासी डिमांड है। पार्लर के मालिक विवेक अजमेरा ने बताया है कि पार्लर में इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली इन आइसक्रीम्स की खासी डिमांड है। बच्चों से लेकर बड़े तक पीएम मोदी की तस्वीर वाली सीताफल आइसक्रीम को बेहद पसंद कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 50% का डिस्काउंट भी रखा है, जिसमें लोग इस आइसक्रीम को खरीदने में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विवेक अजमेरा इस आइसक्रीम को पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण तक, मतलब 30 मई तक अपने पार्लर में बेचेंगे। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।